लगातार नौ दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए बार बार डेलीगेशन जो अधिकारियों से मिलने के लिए भी जा रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स ही है वहाँ से हमें कोई पॉजिटिव आश्वासन नहीं मिला है और हम बिल्कुल मतलब मानसिक रूप से हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं एक आचार संहिता को हम जेल के आए हैं पीछे अभी दोबारा से फिर से आचार संहिता लगने वाली है और हमें मतलब हमें हमारी समझ से बाहर है कि हमारे साथ क्या होने वाला है हम सिर्फ और सिर्फ यही मांग करते हैं सरकार से कि कैसे भी करके तेरह फरवरी को एच को हमारी पैरवी के लिए भेज दे सर प्रयास हमारा अब भी जारी है सरकार तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं रोज डेली डेलीगेशन भी जाता है मिलने भी जाते हैं और यहाँ धरने पर हमारे साथी हमारा इंतजार भी करते हैं कि हमारे भाई डेलीगेशन में जा रहे हैं तो कुछ अच्छी खबर लेके आएंगे लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छी खबर की तो हम कल्पना क्या करें हम वहाँ जाते हैं तो हमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिससे कि हम संतुष्ट हो पाए हम यहाँ दिन रात परेशान हो रहे हैं धरने पर हमारा ये आठवां नौवा दिन है धरने का और अभी तक हमें कोई इतना आश्वासन नहीं मिला है जबकि लोकसभा की आचार संहिता लगने को है लोकसभा चुनावों की और एक बार आचार संहिता लग गई तो उसके बाद में ना ये धरना रहेगा और ना ही हम यहाँ बैठ पाएंगे किसी भी सूरत में और ना हमारा काम हो पाएगा ये बात भी हम जानते हैं अभी तक कल हम शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे हमारा डेलीगेशन गया था उन्होंने हमें आश्वासन दिया था आश्वासन के नाम पे उन्होंने हमसे कहा था कि ठीक है भाई तेरह तारीख की डेट हमें भी पता है हम तेरह तारीख को ज़रूर कुछ करेंगे तो हम सब डट के बैठे हैं इंतजार में कि शायद हमारे शिक्षा मंत्री जी हमारे विभाग के जो सर्वे सर्व हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे तेरह तारीख को आने वाली तेरह तारीख का हमें इंतजार है क्योंकि कोर्ट में हमारी डेट है हियरिंग है तेरह तारीख को और क्योंकि अब तो सरकार के ए भी बन चुके हैं नियुक्त हो चुके हैं तो हम हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि कैसे भी करके ए साहब उतर जाए हमारी पैरवी में जी सर सर सुनवाई हमारी एक फरवरी को थी और उस सुनवाई में पूरी तरह से नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा सरकार का और बोर्ड का बोर्ड के वकील का क्योंकि वो हमारी यथास्थिति के आदेश को ही नहीं हट पा, पा रहे हैं वो उनको जो जवाब उनसे कोर्ट मांग रहा है उस जवाब को ही पूर्ण पूर्णतया नहीं दे पा रहे हैं कुछ उनमें त्रुटि होने के कारण से जज साहब गुस्सा हो गए नाराज़ हो गए नाराज़ होकर नाराज के हो उन्होंने बेंच चेंज कर दी और बेंच चेंज हो जाने के कारण से अब हमें इस बात का बड़ा डर है कि हमारा केस दोबारा से पूरा ओपन होगा नए जज के सामने तो उसमें समय लग सकता है और समय हमारे पास है नहीं क्योंकि आचार संहिता लगने को है पर यदि आचार संहिता में दोबारा से, से फंस गए तो ना जाने ये भर्ती कहाँ जाकर रुकेगी को, इसका कोई भी पता नहीं सर यहाँ पे जो भी बेटे पदास्थापन और अंदर जाने के लिए हाँ स्कूल अलॉट हो चुके है सारा काम हो रखा है आदेश की जरूरत है आदेश जाते ही हम स्कूल के बाहर स्कूल के बाहर खड़े और बस एक आदेश के कारण ही हम स्कूल के अंदर जाएंगे वो बस आदेश चाहिए हमको यथा स्थिति बनी हुई है उसको यथास्थिति को हटवाना है बस सरकार से यही विनती है कि जो हमको बार बार कोर्ट से तारीख पे तारीख मिल रही है सर हम वो चार साढ़े चार महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी यथा यथास्थिति हटे कब हम चयनितों तो नियुक्ति मिले लेकिन सर बार बार कोर्ट से यही मिल रही है नेक्स्ट डेट मिल जाती है बेंच चेंज हो जाती है फिर वापस नेक्स्ट डेट मिल जाती है तो हम सरकार और बोर्ड से यही गुजारिश करते हैं कि आप आप बोर्ड के वकीलों को बताइए हमारे जो आई नियुक्त हो रखे हैं उनसे पैरवी करवा के इस मजबूती से तथ्य रखे जाए बोर्ड जज साहब के सामने जो वो जज साहब मांगते हैं वो सारी एविडेंस रखे जाए ताकि हमारी यथास्थिति हट जाए और हम नियुक्ति पाए सर हमने देखा है कि जो पिछली ये आचार सीता लगी थी उसमें देखा है हमने ठीक है सीता से पहले हमारे बंधु पंद्रह हज़ार भाई बहन जो ज्वाइन कर चुके हैं अभी स्कूल में है और हम लगभग छः हज़ार के समथिंग बच्चे हैं जो अभी तक इस नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और यही देख रहे हैं कि कब हमारा मतलब अच्छा हाँ सर जज साहब को जो मतलब एविडेंस चाहिए जो जज साहब जवाब मांगते हैं वो बोर्ड की तरफ से अच्छे से नहीं रखा जाता है इसलिए या तो नेक्स्ट डेट मिल जाती है या फिर बेंच चेंज करते हैं जज साहब बोर्ड बोर्ड अध्यक्ष से बातचीत करते हैं और लगभग हर मतलब जो सुनवाई होती है उससे पहले बोर्ड साहब के पास जज अध्यक्ष साहब के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि हमारी पैरवी करवाई है मजबूत से वो हमें यही आश्वासन देते हैं कि हाँ इस बार हो जाएगा लेकिन वही होता है कि नेक्स्ट डे मिल जाती है या फिर या बेंच चेंज हो जाती है तो हम यहाँ पे बैठे बैठे बस सरकार जो राम राय जी है ठीक है अभी बीजेपी का सरकार है तो हम सरकार से और बजनला सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि ये देश का भविष्य है ठीक है ये वही शिक्षक है जो देश का भविष्य सुधारने वाले हैं आपको पता है शिक्षक वो होता है जो एक स्तंभ होता है उसको मजबूत करता है तो ये शिक्षक अगर यहाँ पे बैठे हैं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन बच्चों का क्या भविष्य होगा जो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हाँ वो सर आएंगे और हमको पढ़ाएंगे तो सबसे बड़ी ये भी दुविधा है तो इसलिए हम भजन सरकार से और बोर्ड अध्यक्ष से ठीक है और हमारे शिक्षा मंत्री जी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो नेक्स्ट चुनावी जो हमारी तेरह तारीख की है उसमें ए साहब को एजी साहब से जो पैरवी करवाए मजबूत से ठीक है और हमें ज्यादा जल्द से जल्द नियुक्ति दिलवाए और हमारी यथास्थिति हटवाए धन्यवाद